नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है कुकिंग चॉइस में। आज हम शेयर करेंगे नेनुआ और चने दाल के सब्जी की रेसिपी। नेनुआ की सब्जी बनाएंगे चने दाल के साथ, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होगा और ये टेस्टी के साथ बहुत हेल्दी भी होता है। इसे बनाने में बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोग को पसंद आएगी ये सब्जी की रेसिपी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं नेनुआ और चने दाल की सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार बड़े बड़े नेनुआ ले लिए हैं जिसे हम छोटे छोटे पीसों में काट दिए हैं और इसे मीडियम साइज में ही रखना है, ना ज़्यादा पतला और ना ही मोटा करना है। और इसी के साथ मैंने चने दाल ले लिए हैं, इसे 10 या 15 मिनट तक भिंगो कर रखना है। अब जल्दी में बनाना चाहते हैं तो इसे गर्म पानी में 5 मिनट तक रख दें ताकि चने दाल अच्छे से फूल जाए। इसी के साथ मैंने एक पीस प्याज ले लिए हैं, लहसुन का दरदरा किया हुआ, आधा छोटी चम्मच जीरा, चटपत्ता, एक टमाटर का मैंने पीस लिया है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं। इसी के साथ मैंने हरे मिर्च ले लिए हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो देखिए, मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दे रहे हैं। अब सरसों के तेल के जगह आप कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं। मेरे तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम डाल देंगे हरे मिर्च और इसे अच्छे से जलने देंगे। देखिए, मेरी मिर्च अच्छे तरह से जल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो देखिए, मैंने इसमें प्याज अब डाल दे रहे हैं। तो देखिए, मेरी प्याज अच्छे तरह से जल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दरदरा किया हुआ लहसुन। तो देखिए, मैंने इसमें दरदरा किया हुआ लहसुन डाल दे रहे हैं। इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर का टुकड़ा जिसे हम छोटे छोटे पीसों में काट दिए थे। अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें डाल देंगे कलर के अनुसार हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप अपने पसंद से तीखा कर सकते हैं। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और भून देंगे। तो देखिए, मैंने मसाला को अच्छी तरह से भून लिया है। इसे भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नेनुआ और चने दाल। तो देखिए, मैंने इसमें नेनुआ डाल दे रहे हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे इसी में चने दाल और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेनुआ और चने दाल के सब्जी में थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है क्योंकि ये पानी खुद ही छोड़ता है। अब हम इसमें डाल देंगे आधे छोटी चम्मच गरम मसाला। बहुत जल्दी ये बन जाता है नेनुआ और चने दाल के सब्जी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। खाने में आज इस सब्जी को ज़रूर घरों में बनाकर ट्राई कीजिए। रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल, चावल, आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसे एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा मेरा रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल का बटन कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।
और वीडियो नहीं भी अच्छे लगे तो वो भी बता दीजिए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ।